ना रामी वोट कर सके ना काशी नहीं कर सके। रामी बातों एक करी है और एक बात की राजस्थान गण करो ये सुनना बाबा कभी धर्म रो नाम लेन कड़ी गौ माता री जय बोले। बाकी कांग्रेस रे नेता बैठा कांग्रेस रे राज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी था पहला कितना गौ शरण मतलब 3 महीनों और सरकार कांग्रेस री कितना करियो 12 महीनों रो निको तो मैं क्यों भाई 12 महीनों री गया और अंदर तो अंदर मदद करे वो गौ भगत वो 3 महीनों वाला और आप हूड़ो वाला बड़ा असंभव वाला क्या जो गायो कटी दे और हिंदुस्तान में जो निर्यात 12 बारी और 2 मास और पूरे संसार में बीप रे मामला में 1 नंबर हिंदुस्तान रो लागे 1 नंबर और अनुरो तलक उगड़वा दूंगा कि जो को गौ मांस काटने वाला उड़ रहा तो भी 250 करोड़ संदो कर लियो है तो उन पार्टी के नाम में भारतीय जनता पार्टी आप कोई मामूली बात थोड़ी हूं मैं मंच मत कह रही हूं तो बीप निर्यात करे उड़ कत्ल खोलो रखो भी संदो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है तो मैं अंदाज लगाऊं कि करा गौ भगत है करा राम भगत है अरे अभी करनी और कितनी में फर्क है। अब आप ऊपर उनकी बात करी कि वे आया और वे आया मैं जो कोई कारो आयो न कोई धोरो आयो और नारा गले दिया था भाइयों बहनों न खाऊंगा न और अरे तो कोई नहीं छोड़ियो देश नहीं बिकने दूंगा अरे तो सस्ते हाथों पे 1000 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रिक बॉन्ड आज कंपनी ने दी धमकी दूसरे दिन संतो दियो रेडी आज नेताओं ने धमकी बीजेपी ने बीजेपी मारा पैरी रेडी तो अंतराई पर बेलावना करना वो लोकतंत्र नहीं और कौन है ज्यादा कारनामा करती तो बीजेपी का हमला तो पहले और अतरो 10 साल हुआ है 10 साल में अतरो और अहंकार है अतरो और घमंड है और हमें माफी मांगता फरे कि मारी सजा उन्होंने मत दे जो भाई को दी देखो पड़ी नीचे तो कौन पड़ी भाई आज मुंह गलती करो तो अपने बूढ़िया रिखा हुआ थी कि भाई खो दी देखो कई जगह पड़ी और गरी क्या सुना मैं नहीं लड़ा हाँ वे तो मोदी से लड़े हैं भाई सुना तो अपने तू अपने खुशी है कांग्रेस तरफ उम्मीदवार राम जी बेनीवाल लड़े कौन लड़े तो हम लोग ने हमें डर का ना मैं कौन लड़ा इवे लड़े भाई वो तो लोकतंत्र है और वोटर और राज है मैं तो वो मेन उम्मीद ही नहीं ना पे हैंग लड़ा हूं अनिश्चित लोकतंत्र का है वो एक जरा और राज उन्हें लोकतंत्र को नहीं के और मैं ईमानदारी में कह रही हूं लोकतंत्र में जिंदा राज लो और नितर हम के अगर 10 साल में ना तो अंदर डाले तो पसंद है जमी माती को वाले ना मोदी जी की पार्टी बना और यार कानून बना देला संविधान चेंज कर देला ये वोट ही बंद कर दी और जो को 10% भरे ना अंद भगत बनी उड़ा जन यो भेजा रे में कोई अल्ले पड़े न कोई उन्होंने तो ये की दी है और ये गलियों में कहता फोड़ी गांव फायदे ही हुआ है खर्च हो गई है तरवास्ते लोकतंत्र ने जिंदा राज में